हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन तुम उतनी देर तक कदम नहीं उठा सकोगे जब तक कि तुम चार सवालों के जवाब नहीं दे लोगे। ये बुखारी में मौजूद है, तिर्मिजी में मौजूद। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम तरबियत फरमा रहे हैं हमें, हुजूर बतला रहे हैं कि याद रखना, जहन में रखना कि चार सवालों का जवाब तुमने देना है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से? तो हुजूर ने फरमाया सबसे पहले कयामत के दिन अल्लाह तुमसे पूछेगा कि तुमने अपनी उम्र कहाँ गुजारी। अल्लाहु अकबर। मैं कह चुका हूं कि ये जान किसी की अमानत है, इसका मालिक कोई और है। तुमसे पूछा जाएगा कि सुबह से शाम तक तुम्हारी जिंदगी के औकात कहाँ गुजरे, और फिर जिंदगी के अंदर सबसे कीमती इंसान का वक्त जवानी का होता है। पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि उम्र कहाँ गुजारी, तो दूसरा सवाल ये होगा कि जवानी कहाँ गुजारी। और मेरे नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तीसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि माल कमाया कहाँ से और खर्च कहाँ किया। यानी माल कमाने के बाद भी आप उसके मालिक नहीं बन गए, आपको ये बताना है कि कमाया कहाँ से और फिर आपने खर्च कहाँ किया। और हुजूर आखिरत की फिक्र देते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चौथा सवाल ये पूछा जाएगा कि जो तुम जानते थे तुमने उस पर अमल कितना किया, जो तुम्हें खबर थी, जो तुम बतलाते थे, जिसका तुम शऊर रखते थे, तुमने उस पर अमल कितना किया। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुद लोगों को ये पैगाम दिया, लोगों को बतलाया कि तुम इन चार सवालात की तैयारी करके रखो, ये कयामत के दिन तुमसे पूछे जाए, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि हमारे पास इसकी तैयारी है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने फरमाते कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम कयामत का और आखरत का जिक्र करते थे तो हमारे वजूद कांपते थे और हमें यूं लगता था कि अभी हम उठ के जाएंगे तो कयामत आ जाएगी, हमें उसका जवाब देना होगा। मेरे भाई फिक्र पैदा करें, फिक्र। बहुत सारे लोग आज कहते हैं हमने जुल्म किया तो केस से भी बरी हो गए, मकान पर कब्जा किया तो कुछ भी नहीं हो सका, ऐसे ही घूम रहे। तो भाई ये तो छोटी अदालतें हैं, कमजोर अदालतें हैं, असल अदालत तो कयामत में लगेगी। उसकी फिक्र करो, उसकी तैयारी करो। और यहाँ की अदालतें तो मजबूर हैं, माजूर हैं, गवाहों की जरूरत है, हाजतमंद है। तो सुबह कयामत तो तुम्हारा अपना वजूद तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारा वजूद गवाही देगा। जुबान पर मोहर होगी, हाथ पैर बोलेंगे, अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे। उसकी तैयारी करें। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से दो शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो कोई तनाजा था जायदाद का। एक कहता था जायदाद मेरी है, तो दूसरा कहता था मेरी है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने एक बात बयान की, हुजूर फरमाने लगे हो सकता है आज कोई आदमी तेजी दिखाए और इसका फैसला अपने हक में करा ले, यानी किसी मुनसिफ के पास जाए कसे बाशद, और वो अपने दलायल ज्यादा दे, बातें ज्यादा सुनाए और फैसला अपने हक में ले ले, पर कयामत में तो उसने हिसाब देना है ना।